मेरा नाम राजेश कुमार, फिजिक्स लेक्चरर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी वाला। मैंने आज बच्चों को विद्युत और विद्युत परिपथ के बारे में बताने की कोशिश की, उनके अंदर एक रुचि जागृत करने के लिए इस बैटरी का इस्तेमाल किया। इस बैटरी को अपने आम जिंदगी के अंदर दैनिक जीवन में देखा है, उसके बारे में उनसे पूछा। इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से वीडियोस और जो उसके अंदर सिंबल्स हैं उससे रिलेटेड मटेरियल था, वो सारा बच्चों को दिखाया गया, जिसमें बच्चों ने बहुत रुचिपूर्ण पूर्वक देखा और उसमें काफ़ी रुचि दिखाई। प्रोजेक्ट स्पेस लर्निंग के तहत हमने बच्चों के ग्रुप्स बनाए और उन ग्रुप्स में जो हमारी जो किट हैं अवेलेबल्स, उन किट्स को प्रोवाइड किया बच्चों को और उसके बाद उनके ग्रुप्स बना के उनको इसके पूरे बच्चों को खुद भी बोला कि ये उपकरण आपस में जोड़ें और उन्होंने इसका इसको बहुत अच्छी तरीके से जोड़ा और साथ में उनका जो इंटरेस्ट था वो देखने लायक था। साथ के साथ ये एक जो सर्किट है जो हमने खुद तैयार किया है, उनको ये बताया गया, जानकारी दी गई कि हमारे घरेलू उपकरण कैसे कार्य करते हैं, कि जैसे हमारे घरों में सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी आती है, 220 वोल्ट का विभवांतर है, वो पहले हमारे इलेक्ट्रिक मीटर से होता हुआ मेन स्विच बोर्ड पे, स्विच बोर्ड को हम ऑन करते हैं, आगे फ्यूज से होता हुआ स्विच बोर्ड तक जाता है और उसके बाद विभिन्न उपकरण जैसे जैसे हम स्विच को ऑन करते जाते हैं वो कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसको देख के बच्चों के अंदर बहुत रुचि जागृत हुई। रिफ्लेक्शन के लिए बच्चों को से ये जानकारी इकट्ठा करने के लिए कि हाँ भी बच्चों को कितना समझ में आया, उसके लिए उनसे कुछ प्रश्न किए गए और बच्चों ने उन प्रश्नों का बड़ी अच्छी तरीके से आंसर दिया। मैं AIF टीम का और प्रोजेक्ट का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने ये जो किट है, ऐसी ऐसी किट्स प्रोवाइड की हैं जिससे बच्चों के अंदर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को लेके एक इंटरेस्ट क्रिएट हो, बच्चे टॉपिक्स को क्रैम ना करें, बच्चे उनको भली भांति समझें। धन्यवाद।